अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो लाइट रिएक्शन हमारा खत्म हो चुका है। लाइट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, दो तरह का लाइट रिएक्शन में दो तरह का पाथवे देखा था, एक नॉन साइक्लिक था, दूसरा साइक्लिक था। नॉन साइक्लिक में अभी तक हम लोगों ने देखा कि उसमें फोटो सिस्टम टू और फर्स्ट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है। अब लाइट रिएक्शन में मेनली क्या हो रहा था कि एटीपी और एनएडीपीएस2 का सिंथेसिस होता है, एंड ये एटीपी और एनएडीपीएस2 जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है, इनका ही यूटिलाइजेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिड्यूसिंग एजेंट के। तो यही जो मेन पाथवे है दैट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इसमें लाइट का नहीं होता है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप कहोगे कि डायरेक्टली क्या है, लाइट इसके प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ लाइट के एब्सेंस में नहीं होता है। देखा गया है कि जैसे ही लाइट को बंद किया जाता है थोड़ी ही देर के बाद डार्क रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं बायोसिंथेटिक फेज भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन था, ठीक है, ए लाइट रिएक्शन था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, बी कर लीजिएगा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसके बहुत सारे नाम है, डार्क रिएक्शन को ही हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे ही हम केल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी कहते हैं। इसे ही हम केल्विन साइकिल और C3 साइकिल भी कहते हैं। बायोकेमिकल फेज या किसी को बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसको और भी नाम है, जैसे इसे हम फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे पीसीआर साइकिल भी कहते हैं, पीसीआर रिएक्शन। या वहां पे जेनेटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर हम लोग पढ़ते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कहते हैं। यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक रिडक्शन कार्बन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, या साइकिल। और पेंटोज रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेटेज रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये इतना सारा इसका नाम ही है। अब लिखना पहला पॉइंट, इसको डार्क रिएक्शन हम लोग क्यों कहते हैं। इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन बिकॉज नो डायरेक्ट लाइट is required
no direct light is required. LIGHT. No direct light is required. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कैल्विन प्रेजेंटेड दीज रिएक्शंस इन ए साइक्लिक मैनर एंड हेंस कॉल्ड एज Calvin cycle, hence called as Calvin cycle. पहला जो stable compound है इसके अंदर वो एक तीन कार्बन वाला एसिड होता है जिसे हम phosphoglyceric acid कहते हैं. तो पहला जो stable product है that is PGA. इसमें Calvin cycle में पहला stable product है तीन कार्बन का बना होता है, इसीलिए इस Calvin cycle को हम C3 साइकिल भी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड of Calvin cycle is 3-carbon PGA. 3-carbon वाला PGA. PGA का मतलब क्या हो गया? Phosphoglyceric acid. Thus, Calvin cycle is also called as Calvin cycle. Thus, Calvin cycle is also called as C3 cycle. Thus, Calvin cycle is also called as C3 cycle. कैल्विन ने सबसे पहले ये कैल्विन साइकिल स्टडी किया था यूनिसेलुलर एल्गी के ऊपर, क्लोरेला के ऊपर, ठीक है. और अगर मैं मेन एंजाइम की बात करूं जो कि प्रेजेंट रहता है स्ट्रोमा ऑफ थाइलाकोइड के अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लास्टेन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दैट इज रुबिस्को. रुबिस्को जो है इस C3 साइकिल का मेन एंजाइम होता है. और हम जानते भी है कि रुबिस्को क्या है, कि सबसे मोस्ट एबंडेंट एंजाइम भी है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, स्टडी बाय कैल्विन ऑन ग्रीन एल्गी क्लोरेला and Sandesmus. नेक्स्ट है पॉइंट, दैट इज
रुबेस्को, देखो रुबेस्को की हम बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबुलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज, मतलब समझना इट हैज बोथ द कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन अगर कम रहेगा तो इट मींस इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये एंजाइम दोनों को कैरी कर सकता है, ये ऑक्सीजन को भी कैरी कर सकता है, साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकता है। तो रिबिस्को जो है दैट इज राइबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, is the main enzyme in C3 cycle. First, या हम कह सकते हैं CO2 जो acceptor होता है, ये एक compound होता है, CO2 acceptor एक compound होता है जिसे हम RuBP कहते हैं, क्योंकि CO2 को accept करता है, and in presence of rubisco, rubisco के presence में carboxylation होता है, वो 3-PGA बनाता है, ठीक है? पहला जो है ये 5 carbon का है, एक carbon वो लेगा और CO2 से, and RuBP get converted into 2 molecules of 3-PGA, ठीक है? Phosphoglyceric acid में convert होता है। तो अगर मैं acceptor की बात करूँ तो CO2 acceptor कौन है? CO2 acceptor in Calvin cycle is RuBP. RuBP that is ribulose 1,5 biphosphate. ribulose 1,5 biphosphate, ठीक है? ये CO2 acceptor है। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली में कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए कितना टर्न्स कैल्विन साइकिल का जरूरी होता है। तो समझो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए मिनिमम कितने टर्न्स चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि CO2 तो कितना लग रहा है, एक के लिए 6 लग रहा है, और एक कैल्विन साइकिल में कितना CO2 एक्सेप्ट होता है, सिर्फ 1, बाकी 5 कार्बन कहां से आता है, इस RuBP से आता है। तो समझो ये जो RuBP है इसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन कहां से आ रहा है, इस CO2 से आ रहा है। तो C6 मतलब कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, क्योंकि तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए मिनिमम हम कह रहे हैं कि कितने कार्बन, कितने साइकल्स होने चाहिए, तो 6 टर्न्स होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 बार कैल्विन साइकिल होगा तो एक बार क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। तो 6 साइकिल ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? तो अगर मैं इसे साइक्लिक मैनर में रिप्रेजेंट करूं तो क्या क्या इसमें स्टेप होता है, तो बेसिकली 3 ही स्टेप होता है। पहला क्या होता है, आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन, मतलब वो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट होगा। कार्बोक्सिलेट कहने का मतलब क्या हो गया कि उसमें CO2 एक्सेप्ट होगा। दूसरा क्या होता है, फिर उसका रिडक्शन होगा, तब जाके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। एक्सेप्ट होगा तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा था, 3-PGA। फिर 3-PGA का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद वो तो बन गया ग्लूकोज। फिर रीजनरेशन होता है किसका, आरयूबीपी का। क्यों, क्योंकि रीजनरेशन हम जान रहे हैं कि वो एज अ क्या काम कर रहा है, एंजाइम कर रहा है, तो वो क्या होगा, रीजनरेट होगा फिर प्रोसेस में। तो 3 बेसिक स्टेप है, पहला क्या है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या है रिडक्शन, एंड तीसरा क्या है रीजनरेशन, ठीक है, आरयूबीपी का रीजनरेशन। तो देखना आर यू बीपी,
ये क्या हो गया, तो जान रहे हम राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। इसको ये कहां से आ रहा है, तो ये आरयूबीपी एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर से क्या चीज, CO2, ठीक है, CO2 से एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट किया CO2, और CO2 एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और ये क्या होगा, इसका कार्बोक्सिलेशन होगा, फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। अगर मैं बात करूं इस कार्बोक्सिलेशन में, तो इस कार्बोक्सिलेशन में ही एंजाइम कौन सा लगेगा, रुबिस्को, ठीक है, ये एंजाइम इन्वॉल्व होगा रुबिस्को। अब ये कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप हो गया, ठीक है, पहला स्टेप के बाद मैंने क्या बताया, क्या बनेगा, तीन कार्बन वाला एसिड बन रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट होगा दैट इज 3-फॉस्फो ग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड बोले या ग्लिसरेट, बात एक ही है, ठीक है, 3-फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं 3-PGA, 3-PGA, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि ये कितने कार्बन का है, तीन कार्बन का है, तो यहां पे पांच कार्बन इसमें है, ठीक है, राइबोस, इसमें पांच कार्बन है, ये एक कार्बन हो गया, ये तीन कार्बन वाला बन रहा है, तो कितना बनेगा, टू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, दो मॉलिक्यूल्स बने ये, फिर इसका रिडक्शन होगा, ठीक है, यहीं पे मैं घुमा दे रहा हूं, फिर इसका रिडक्शन होना है, ये है सेकंड स्टेप, ये रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली में होता क्या है, तो एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट हम जानते हैं NADPH2 या NADPH++, ये एक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में एनर्जी कंज्यूम होता है रिडक्शन प्रोसेस में, दो ATP मॉलिक्यूल लगेंगे, साथ ही साथ दो NADPH2, ठीक है, ये लगेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ATP ADP में टूट जाएगा, और NADP किस में टूट जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल ADP में टूटा प्लस 2-फॉस्फेट अलग हो गया, प्लस NADPH2 किस में टूटा, 2NADP+, X कहां चला गया, रिडक्शन के लिए, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, इसके बाद से रिजल्टेंट इसका क्या बनेगा, अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, PGAL बनेगा रिडक्शन के बाद, और यहीं पे क्या है, सुक्रोज और स्टार्च क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, यहां क्या है, सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है, एक्चुअली में ग्लूकोज बनाएगा, क्योंकि सुक्रोज में बाद में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं ग्लूकोज से भी, ये ग्लूकोज बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा, कितने कार्बन का, 6, लेकिन कितने साइकल्स के बाद ये फॉर्म करेगा, तो ये 3 कार्बन का हो गया,
तीन कार्बन का दो मॉलिक्यूल बनाएगा ट्राइओज फॉस्फेट, नहीं दिख रहा नीचे ग्लूकोज दिखा हुआ। और रिडक्शन के बाद ये क्या होगा, इतने कितने साइकल्स होंगे, सिक्स साइकल्स, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर बात आती है इसमें से रीजनरेशन की, लास्ट स्टेप है रीजनरेशन। ठीक है, लास्ट स्टेप में दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में फिर एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, वो एडीपी प्लस फॉस्फेट में टूटेगा एंड ये रीजनरेट हो जाएगा आरयूडीपी। तो ये जो पूरा साइकिल के रूप में हो रहा है, दिस इज नोन एज केल्विन साइकिल। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। तो बेसिकली तीन स्टेप होता है, फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। यहां तक हमको ग्लूकोज मिल जाएगा, ऐसा सिक्स साइकिल होगा तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये छह कार्बन का है। और फिर रीजनरेशन भी तो आरयूडीपी का हर साइकिल में करवाएंगे, तभी तो ये कंटिन्यूअस साइकिल के रूप में चलता रहेगा, नहीं तो ये कंज्यूम हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा एक समय के बाद। आयु हमारे वजह से पी आई ये लिखे हुआ केल्विन साइकिल। किरण से देखिए, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, सिंपल है, आरयूबीपी है इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कंपाउंड है, पांच कार्बन का है, एक मॉलिक्यूल CO2 लेता है, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेट होता है एंड पहला स्टेबल कंपाउंड 3PGA यानी कि 3-phosphoglyceric एसिड का फाउंडेशन करता है। क्योंकि ये तीन कार्बन का है तो स्टेबलाइज करने के लिए छह मॉलिक्यूल, ये कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर इनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए दो एटीपी एंड दो NADPH2 इन्वॉल्व होते हैं एंड 2 ATP और 2 NADP+ में टूटता है। रिडक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है दैट इज 3PGAL। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एक्चुअल में ये हमारा एसिड था। ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड बनता है, 3-phosphoglyceric एल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो 3PGAL बनता है एंड इतने सिक्स साइकिल होंगे तो एक एक कार्बन करके बाहर हो जाएगा, सिक्स क्या हो जाएंगे, सिक्स ग्लूकोज का, सॉरी, सिक्स कार्बन वाले एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। कितने साइकिल के बाद, छह साइकिल के बाद, क्योंकि रीजनरेशन भी करना है, हर साइकिल में पांच कार्बन वाला आरयूडीपी वापस क्या करना है, रीजनरेट करना है। तो एक्चुअली में छह साइकिल के बाद क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अगर इसी को डिटेल्ड में हम जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, फिर रिडक्शन में क्या हो रहा है और रीजनरेशन में क्या हो रहा है। टोटल 10 स्टेप्स मॉलिक्यूल है, 10 स्टेप है रिएक्शन में टोटल। हो गया,
बेटा है समझ में आया सुरभि? ठीक है, तो अब देखिए इसी को डिटेल में हम लिखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप है छह मॉलिक्यूल RUBP लगते हैं प्लस 6 CO2। CO2 किस फॉर्म में प्लांट में कैसे ट्रांसलोकेट होता है, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, क्योंकि वाटर में वो डिसॉल्व होता है। यहां पे एंजाइम कौन सा लग रहा है, रुबिस्को, एंड इट प्रोड्यूसेस 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है पहले, दैट इज अ कीटो एसिड, एक कीटो एसिड है कीटोन को कंटेन करने वाला। देन ये इसमें बन जा रहा है ये 12 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला PGA में बनता है। ठीक है, ये 3 कार्बन का है और यही क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल कंपाउंड होने से फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ये पहला रिएक्शन हुआ। सेकंड है रिडक्शन, सेकंड वन इज रिडक्शन, तो नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन में हो क्या रहा है, ये सेकंड स्टेप कीजिएगा, 12 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ये, मोल मत समझना, 3 PGA जो है वो रिड्यूस होता है, 2 बार लगेंगे ATP, ठीक है, 12 ATP ट्रायोकाइनेज के प्रेजेंस में ये टूटेगा, 12 मॉलिक्यूल 1 3 बाई PGA। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, 12 मॉलिक्यूल 3 PGA जो है 12 ATP उसमें लगेंगे एनर्जी, और सिंपल क्या होता है, फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हो जाता है ट्रायोकाइनेज के प्रेजेंस में। ट्रायोकाइनेज एक तरह से ट्रांसफरेज एंजाइम है, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक है, फिर क्या है, ये बाई PGA, फिर थर्ड जो स्टेप है रिडक्शन में ही है, 12 मॉलिक्यूल 1 3 सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, दिख रहा
थर्ड स्टेप है 12 मॉलिक्यूल है ये 1,3 बाय पीजीए 12 मॉलिक्यूल 1,3 बाय पीजीए में एक्चुअली क्या होगा, अब रिडक्शन होगा और रिडक्शन किससे हो रहा है तो 12 मॉलिक्यूल NADPH2 रिड्यूस हो रहा है 12 मॉलिक्यूल NADP+ में। ये फर्दर एक कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा दैट इज डीहाइड्रोजिनेज एक तरह का रिडक्शन में यूज होता है ये एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। ये 12 मॉलिक्यूल 3PGAL 12 मॉलिक्यूल प्लस 12S3PO4 फॉस्फेट इससे अलग हो गया, फॉस्फोरिक एसिड बन गया। ये क्या है भाई हमारा, तो ये है 3 phosphoglyceraldehyde 3PGAL में टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ स्टेप क्या हो रहा है, 5 मॉलिक्यूल जो है PGAL एक साथ मिलके आइसोमराइज कर जाता है एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल जो PGAL है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में पॉलीमराइज कर जाता है और ये DHAP 3 मॉलिक्यूल DHAP और 3 मॉलिक्यूल PGAL आपस में मिलके कंबाइन करके फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाता है। यहां पे क्या हो रहा है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL आइसोमराइजेस इनटू DHAP। DHAP क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इसमें आइसोमराइज कर जाता है और जब ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा DHAP तो 3 मॉलिक्यूल DHAP और 3 मॉलिक्यूल PGAL ये आपस में मिलके कंबाइन करता है 3 PGAL प्लस 3 PGAL ये हो गया, ये 3 PGAL है, ये कितने मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल लिख ले रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल 3 PGAL और 3 मॉलिक्यूल DHAP आपस में कंबाइन करेगा और कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज एल्डोलेज। एल्डोलेज के प्रेजेंस में एंड फॉर्म्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल 3 PGAL 3 मॉलिक्यूल DHAP जो कि अभी आइसोमराइज किया है, यही मॉलिक्यूल आइसोमराइज करके DHAP बनाता है, एल्डोलेज के प्रेजेंस में 3 फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा जिसमें टोटल कितने कार्बन हो गए, अभी फ्रुक्टोज में कितने हैं 6, वैसे कितने मॉलिक्यूल बने 3, तो 18 कार्बन हो गए और फाइनली 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट
ये आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, ग्लूकोज फर्दर किस में, स्टार्च में एंड सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस हुआ, ये फोर्थ का ही स्टेप इतना है, ठीक है। ये रिडक्शन में चार स्टेप है हमारा, सॉरी तीन स्टेप है, दो तीन चार। सबसे ज्यादा लंबा प्रोसेस है वापस आरयूबीपी का रीजनरेशन। हो जाएगा तो बोलिए। नेक्स्ट है, लास्ट स्टेप है हमारा, दैट इज रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। ठीक है, लास्ट थर्ड जो है हमारा स्टेप, थर्ड स्टेप जो है, और लिख लीजिएगा, फर्स्ट हमारा था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन, तीसरा जो है दैट इज रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, आरयूबीपी का रीजनरेशन। आरयूबीपी की मैं बात करूं तो तीन मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज बनाता है, जिसमें से फिफ्थ स्टेप लिखिएगा, दो मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज और दो मॉलिक्यूल पीजीएएल, टू फ्रुक्टोज, टू फ्रुक्टोज पी, दैट इज फॉस्फेट 1.5, 1.6 हो गया, प्लस टू मॉलिक्यूल पीजीएएल, कितने कार्बन हो गए, छह कार्बन इसमें हो गए, तीन तीन इसमें कितने हो गए, एक फ्रुक्टोज में छह होता है तो इसमें 12 कार्बन हो गए, अब टोटल 18 कार्बन है मेरे पास। तो ये कैसे टूटेगा, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांस कीटोलेज, इसके प्रेजेंस में, ट्रांस कीटोलेज के प्रेजेंस में ये दो मॉलिक्यूल एरिथ्रोज में टूटता है, नीचे लिखो, दो मॉलिक्यूल एरिथ्रोज पी, जो कि एक 8 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब ये 4 कार्बन है तो ये 2 हो गया तो कितने हो गए 8, और एक 5 कार्बन वाले जाइलोलोज का फॉर्मेशन करता है, प्लस टू मॉलिक्यूल जाइलोलोज पी, ये क्योंकि 5 कार्बन का है तो 10 कार्बन यहां एडजस्ट हो गए, ठीक है, तो टोटल 18 कार्बन बैलेंस थी है इसमें भी। नेक्स्ट स्टेप है, दो मॉलिक्यूल
and it throws P, and it throws P plus two molecule DHAP. ये आपस में कंबाइन करते हैं एल्डोलेज के प्रेजेंस में. एल्डोलेज एल्डोलेज के प्रेजेंस में और ये दो मॉलिक्यूल सेडो हेप्टुलोज का फॉर्मेशन करते हैं. वन सेवन बाई फॉस्फेट बाई पी, वन सेवन बाई पी बाई फॉस्फेट. ये कितने कार्बन हो गए? एरिथ्रोज आठ कार्बन का था और ये डीएचएपी तीन कार्बन का है, छह कार्बन, टोटल 14 कार्बन है. दो मॉलिक्यूल बने कितने कार्बन के? सात कार्बन के. तो 14 कार्बन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट है सेवेंथ, टू मॉलिक्यूल सेडो हेप्टुलोज कंबाइन करेगा दो मॉलिक्यूल पीजीएएल के साथ. टू मॉलिक्यूल PGAL के साथ एंड इट फॉर्म्स. ये 14 कार्बन इसमें हो गया, इसमें कितना हो गया? 6 कार्बन हो गया, टोटल 20 कार्बन है. एंड इट फॉर्म्स ज़ाइलोलोज एंड राइबोज. ठीक है, ये भी ट्रांस कीटोलेज के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? टू मॉलिक्यूल ज़ाइलोलोज थ्री जो कि 5 कार्बन का था, 10 कार्बन एडजस्ट हो गया, बचा 10 कार्बन. तो दो मॉलिक्यूल राइबोज थ्री का फॉर्मेशन करेगा. ये भी 10 कार्बन. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है, ज़ाइलोलोज हमारे पास कितना हो गया? दो यहां बना था, दो इससे प्रीवियस स्टेप में बना था एरिथ्रोज के साथ दो मॉलिक्यूल. तो टोटल 4 मॉलिक्यूल कितने क्या हो गए? ज़ाइलोलोज पी हो गया. ठीक है, टोटल नेक्स्ट है 2+2 ज़ाइलोलोज पी. ये एपीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एपीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में 4 मॉलिक्यूल राइबुलोज 5 फॉस्फेट. ठीक है, 5 नंबर पे फॉस्फेट है. दूसरा क्या हो गया? ये राइबोज जो है, 2 मॉलिक्यूल राइबोज, ये आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल राइबुलोज फॉस्फेट में टूट जाता है 5 फॉस्फेट.
ये भी कितने हो गए, 10 कार्बन हो गए, ये भी 10 कार्बन था, और टोटल कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूल हो गए राइबोसोम। देखो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 6 मॉलिक्यूल राइबोसोम में 5 फॉस्फेट में 6 एटीपी एनर्जी यूटिलाइज होता है, और एक जो है फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल का 2 फॉस्फेट हो गया उसमें, एक जो हो गया किस फॉस्फेट पे पोजीशन पे चले जाता है एटीपी, समझो यहां तक हो गया, मिटा दे को समझते हैं, यहां तक हो गया तो बताओ, ये 9th स्टेप हो गया, ये 9th स्टेप। देखो ये राइबोसोम हो गया कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 10वां स्टेप है, 6 मॉलिक्यूल राइबोसोम, 5 फॉस्फेट में एटीपी जुड़ेगा, कितने एटीपी इन्वॉल्व होंगे, तो 6 एटीपी इन्वॉल्व होंगे, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम ये क्या फॉर्म करेगा, तो देखो इसमें से एटीपी टूटेगा तो एक फॉस्फेट निकलेगा, तो 5 पे तो था और फर्स्ट नंबर कार्बन में भी क्या होता है, जुट जाता है, तो कितने बन जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल राइबोसोम, 5 पे था किस पे आ गया, 1 पे आ गया, 5 पे तो था ही, कितने फॉस्फेट हो गए, 2 बेस फॉस्फेट, और इसी को ना हम आरयूबीटी कह रहे हैं, तो इसका वापस रीजनरेशन हो गया, प्लस साथ ही साथ क्या होगा, 6 एडीपी निकलेगा, 6 एडीपी निकलेगा, ये हमारा केल्विन साइकिल कंप्लीट हो गया, तो नया हो गया, चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है C4 साइकिल पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है C4, इतना याद करने का जरूरत नहीं है शिवानी, बस जो साइकिल के फॉर्म में है ना वो चीज वो याद रखिएगा कि हाँ कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन हो गया CO2 का, कौन से इसमें एंजाइम्स लग रहे हैं, यही सब याद करना है, ऐसे याद हो जाता है, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा C4 साइकिल, नेक्स्ट साइकिल पढ़ना है, दैट इज C4 साइकिल,
इसी को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच एंड स्लैक पाथवे। इसी को CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसी को CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं, या इसी को कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। और इसको DCA साइकिल भी कहते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसी को DCA साइकिल भी हम लोग कहते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा हॉट शक। हॉट शक एंड हार्ट हॉट शक एंड हार्ट फर्स्ट ऑब्जर्व दैट First observed that 4 carbon OAA, इसमें जो पहला stable product होता है that is oxaloacetic acid, oxaloacetic acid is formed during dark reaction in sugarcane leaves, sugarcane leaves में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉर्सक एंड हार्ट में कि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज नॉट अ 3 carbon कंपाउंड इन दिस लीफ या इन दिस लीफ फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड इज ऑफ 4 carbon एंड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इनका फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन के बाद। ये क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे शुगर केन में ही क्यों होता है। फिर इसी चीज को ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, सारे लोगों को नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर, ऐसे ब्लैक बोर्ड नहीं व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा अनम? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नो सर। सर दिख रहा है सर, मेरे को तो दिख रहा है फर्स्ट साइड। हाँ नेटवर्क इशू होगा अनम आपका। ठीक है तो हो गया, ऊपर का मिटा।
नेक्स्ट है हैच एंड स्लैब, हैच एंड स्लैब studied in detail and proposed pathway for dark reactions in sugar cane. सर इन डिटेल के बाद क्या लिखे हैं? एंड इन सुगर केन एंड मेज लीव्स एक स्पेशल एनाटॉमी हमको पढ़ना है सुगर केन और मेज के केस में. एक्चुअली ये 19 फैमिलीज में, लगभग 19 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म में ये एनाटॉमी हमको देखने को मिलता है, दैट इज क्रांस एनाटॉमी. इसी को हम क्रांस एनाटॉमी कहते हैं. ठीक है, ये क्रांस एनाटॉमी होता क्या है ये अब हम लोग को देखना है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, C4 साइकिल अकर्स इन 1500 स्पीसीज ऑफ 19 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स but most of the plants, ज्यादातर जो प्लांट होते हैं जिनमें क्रांस एनाटॉमी पाया जाता है वो मोनोपॉड होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर मोनोपॉड्स विच बिलोंग टू उसमें भी ज्यादातर जो होते हैं ग्रैमनी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, टू ग्रैमनी, जिसमें क्या हो गया बीट हो गया, मेज हो गया, सुगर केन हो गया, मेज सुगर केन एंड साइप्रेसी फैमिली में साइप्रेसी फैमिली का एक और चीज पढ़े होगे, क्या बताओ? क्वेश्चंस बनाने के काम आता है साइप्रेसी फैमिली में, हमेशा क्वेश्चन आता है. मैं बताता हूँ आपको किस चीज में आता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में साइप्रेसी फैमिली का नाम सुने होगे. किस चीज को लेके था? बताइए. नहीं समझ में आया? आवाज आ रही है? मैंने पूछा साइप्रेसी फैमिली का एक जगह और नाम आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में है. बताओ क्या चीज को लेके है? कोई तो बताइए. प्रगति, रेखिका, श्रेया, सुरभि, शुभांगी नहीं पढ़ी है?
मैंने पूछा साइप्रेसी फैमिली है ना, इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पड़े हो गए, एक टर्म आया एक चीज साइप्रेसी में, ठीक है साइप्रेसी में सोचो, दो मिनट दे रहे समय। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक टर्म आता है, नॉर्मली कितना बनता है माइक्रोस्पोर, चार बनता है ना, चारों के चारों फंक्शन होते हैं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, क्वेश्चंस आते हैं हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 200 पॉलीमरेज, तो क्या होगा आंसर 50, ठीक है 50 होगा, क्यों, क्योंकि एक में कितना होता है, चार निकलता है। साइप्रेसी फैमिली के केस में एक में एक ही निकलता है, मतलब फंक्शनल जो पॉलीमरेज है वो एक ही होता है टेट्राहेड्रॉन में से, मतलब हम कहेंगे कि अगर 200 मियोसिस रिक्वायर्ड होगा 200 प्रोडक्शन पॉलीमरेज के लिए, ठीक है यही चीज है। तो साइप्रेसी याद रखना, साइप्रेसी फैमिली में जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना आपके, एग्जांपल साइप्रस हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जितना भी पॉलन ग्रेन होगा उतना ही क्या होगा, मियोसिस होगा, मतलब एक ही पॉलन ग्रेन निकलता है, टेट्राड नहीं निकलता है, ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट है पॉइंट देख लीजिएगा, ट्रांस एनाटॉमी, ट्रांस या इसी को रीथ एनाटॉमी भी कहते हैं, रीथ एनाटॉमी, जो कि प्रेजेंट होता है सीफोर लीव्स में, ठीक है प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ सीफोर प्लांट्स, प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ सीफोर प्लांट्स have following features, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें, following features, क्या क्या फीचर्स उसमें होते हैं present, तो उसमें एक स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं अराउंड वैस्कुलर बंडल, और इन सेल्स को हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स में भी क्या होता है, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बंडल शीथ सेल जो प्रेजेंट होते हैं दो तरह के क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं, एक बंडल शीथ सेल्स में भी होते हैं, दूसरे क्या होते हैं मेसोफिल सेल्स में भी होते हैं। बंडल शीथ सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन उनमें ग्रैना क्या होता है एब्सेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं वो एक ग्रैनल होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जा रहा है बंडल शीथ में। नॉर्मली किसमें, अगर सी3 साइकिल की मैं बात करूं तो नॉर्मली सेल्स किसमें है, मतलब क्लोरोप्लास्ट किसमें है, तो मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल में क्या हो रहा है सी3 साइकिल हो रहा है। यहाँ पे क्या है स्पेशल टाइप का एनाटॉमी है, वैस्कुलर बंडल के अराउंड क्या है सेल्स पाए जाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसे हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, और ये बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट तो होता है लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा ग्रैना एब्सेंट होता है, ग्रैना उसमें होता ही नहीं है। दूसरा मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, इसमें क्या होते हैं बड़े होते हैं, और एक्चुअली में हम कह रहे हैं कि जो लीव्स होते हैं सी4 साइकिल में उनमें दो तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक किसमें हो गए मेसोफिल सेल में जो कि नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है विद ग्रैना, बट देयर साइज इज स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका साइज क्या होगा बड़ा होगा, साथ ही साथ वो क्या होता है एक ग्रैनल होता है, उसके अंदर ग्रैना एब्सेंट होता है। तो ये आपका एनाटॉमी में फीचर्स है। पहला क्या हो गया, फर्स्ट कर लेना, ग्रीन बंडल शीथ सेल्स, ग्रीन बंडल शीट सेल्स, इसे हम बीएस सेल्स कहते हैं, बीएस सेल्स प्रेजेंट अराउंड वैस्कुलर बंडल्स,
present around vascular bundles. Vascular bundles. दूसरा क्या है? Characteristic dimorphic chloroplast. Dimorphic chloroplasts. Dimorphic chloroplasts present in leaf cells. Present in leaf cells. Present in लीफ सेल्स. जैसे कि क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बीएस सेल्स, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बीएस सेल्स आर लार्जर एंड विदाउट ग्रैना. विदाउट ग्रैना. व्हाइल mesophyll chloroplasts are small and have grana नॉर्मली मेसोफिल सेल्स में C3 साइकिल में रुबिस्को होता है, इसमें बंडल शीट सेल्स में रुबिस्को होता है, और मेसोफिल सेल्स में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कहते हैं, जिसे हम पेप्टेज भी कहते हैं. थर्ड हम लिख सकते हैं रुबिस्को इज प्रेजेंट इन बीएस सेल्स व्हाइल पेप्टेज इन मेसोफिल सेल्स व्हाइल पेप्टेज इन mesophyll cells. हो गया, ये तीन फीचर्स है इसके. ये तीन फीचर्स हो गए इसके. चलिए रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमको C4 साइकिल पढ़ना है एंड एक और टर्म है दैट इज C2 साइकिल जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड एक है CAM कैम रेसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और लास्टली फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो यही चीज बचे है. C4 साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे. अभी आपकी 9 बजे से क्लास है. हाँ, नोट्स भेज दे रहे हैं. इसके नोट्स चाहिए? अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के. सर इसके भी नोट्स भेज दे देना. ठीक है, दोनों के भेज दे रहे हैं. दोनों के. ठीक है सर, तरु ने सर पढ़ाएंगे. हाँ, अरुण सर पढ़ाएंगे. अनंत सर नहीं आएंगे? अनंत सर नहीं आएंगे? नहीं, अनंत सर नहीं आएंगे. क्यों, अभी भी दिक्कत आ रहा है उसमें? या सर, सर हम लोग का जो अवंती वाला सेंटर का जो उधर से हो रहा है वहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चल रहा है. अच्छा, तो दिक्कत क्या हो रहा है? तो वहां पे भी ऑर्गेनिक चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है. यस, 11th वहां भी, 11th वाला वहां पे, 11th वाला, 11th वाला. हाँ सर. ओ, तो अभी तो इस
ठीक है, तो इस सर तो यहाँ से ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक भी शायद फिजिकल स्टार्ट करने वाले थे इस वीक आई थिंक। हाँ हाँ क्लास खुलने के बाद आएंगे। ठीक है चलिए ओके। सो मैं सब चीज़ भेज दूंगा रिकॉर्डिंग और ये।